गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और सुबह के बजे हैं 7, ये आए हैं जिम से। अभी हालत देख सकते हैं आप इनकी। सांस लेने की फुर्सत नहीं है, सांस नहीं लिए जा रहे, ऊपर नीचे सांस आ रहे हैं इनको। एक्सरसाइज करके आए ना, तो आज का व्लॉग हमने शुरू कर दिया है सुबह के 7 बजे से। और आज डेट है, डेट कितनी है? 4 जनवरी सैटरडे है आज। और मैं काफ़ी दिन के बाद में आज व्लॉग बना रही हूँ, बीच में ऐसे 2-4 वीडियो डाले थे। तो चलिए, आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर कपड़े सारे धुल चुके हैं और मैं मशीन साफ़ कर रही हूँ। धुलने के बाद में जो ये छोटा सा टॉवल मैंने टांग रखा है, इससे हमेशा मैं मशीन को पोंछ लेती हूँ। सारा पानी जो होता है उसमें वो सारा सूख जाता है और उससे वो उसमें स्मेल नहीं होती है और दाग धब्बे भी नहीं होते हैं। अंदर से मशीन सारी गंदी हो जाती है ना, कई लोगों की ब्लैक ब्लैक सर्कल्स से दाग धब्बे हो जाते हैं, वो नहीं रहते। फिर पानी डालने के बाद में साफ़ पानी भी डालती हूँ, उसको डालने के बाद में फिर मैं इससे पोंछ देती हूँ सारी को। फिर इसका ये कवर लगा के, और सारा ये इधर से थोड़ा बहुत गीला हो गया, ये पायदान मैंने डाला था यहाँ पे क्योंकि यहाँ पानी निकल जाता है ना, ताकि आगे पानी ना आए। और हमेशा यहाँ लगाती हूँ मशीन जब भी, तो पानी निकलता है, इसलिए मैं ज़्यादातर बाथरूम के अंदर लगाती हूँ। लेकिन आज कपड़े थोड़े ही थे, मैंने सोचा यहीं पर लगा के और फिर बाद में पोंछ देंगे। तो अभी लगा रही हूँ पोंछा इधर से, ताकि जो भी मैं बाथरूम में से बार बार जैसे आ रही थी जा रही थी, तो उससे मेरे पैरों के निशान जो हैं वो छप गए थे, उनको साफ़ कर सकूँ। तो कपड़े धुल चुके हैं, कपड़े धुलने के बाद में वो जगह भी मैंने क्लीन कर दी है। अब चलेंगे मंदिर में, मंदिर जाना है, आज सैटरडे है ना। और मंदिर से आके फिर छत पे चल के कपड़े डाल के आऊँगी। मंदिर पास में ही है मेरे घर के, 5 मिनट का रास्ता है बस। तो सांस फूल गई, मैं काम करते टाइम थोड़ा सा सांस फूल जाता है, भागम भाग रहता है ना। तो पहले जाएंगे मंदिर, मंदिर जाके शनि देवता को तेल चढ़ाना है, तिल चढ़ाने हैं काले तिल। और फिर उसके बाद में आके फिर से डायरेक्ट छत पे जाके कपड़े डालूंगी, वहाँ पे धूप में थोड़ी देर बैठूंगी। और फिर तब तक आ जाएंगे नैनी के पापा, फिर बनाएंगे खाना। रोटियाँ नहीं सेकी है मैंने, सब्जी बनी है बस, आटा लगा है। तो फिर रोटियाँ सेकूंगी। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, मैं स्वेटर पहन लेती हूँ। तो स्वेटर मैंने निकाल रखी थी क्योंकि कपड़े निचोड़ने के टाइम पे बाजू भीग जाती है। अभी मैं स्वेटर पहन लेती हूँ, काफ़ी ठंड है, मतलब धूप निकल रही है लेकिन ठंड है फिर भी। तो चलते हैं, स्वेटर पहन लेती हूँ पहले, ठीक है? चल तो और यहाँ से जा रहे हैं हम अब घर, मंदिर से। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम पास में ही है, अभी 2 मिनट का रास्ता है। मैं आपको दिखाती हूँ, वो सामने जो घर दिख रहा है उसमें हमारा, मतलब उसके बाजू वाले घर में हमारा घर है, दो घर छोड़ के। और मतलब उधर की साइड में, दूसरी वाली साइड में जो गली पड़ती है उसमें गेट है हमारा, मेन गेट। बहुत ज़्यादा हरियाली है उत्तराखंड में, बहुत ही प्यारा है उत्तराखंड। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये जो अल्ट्रा टेक लिखा हुआ है इसी में हम पहुंचते हैं। मैं ले लूंगी अपने आप। हम
पाएगी। क्या हो गया शिवांश? फिर गाय क्या कह रही है? हैं? तो यहाँ पर आ चुके हैं छत पे कपड़े डालने के लिए। आंटी जी गेहूँ साफ कर रहे हैं और शिवांश यहाँ खेलने लग गया था आते ही। मैंने मेरे कपड़े डाल दिए थे, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए आंटी के पास बैठी थी। और ये है शाम के तकरीबन 4 बजे के लगभग का टाइम है। इस टाइम क्या हुआ था, इन्वर्टर का पानी ख़त्म हो गया था बैटरी का, तो ये बैटरी में पानी डाल रहे थे तो मैंने वो कैप्चर कर लिया। मैं लाइट दिखा रही थी इनको, क्योंकि लाइट हम लोगों ने सारी बंद कर दी थी, तो मैं लाइट दिखा रही थी। लाइट दिखाते दिखाते मैंने वो भी कैप्चर कर लिया, तो इनको हालांकि पता नहीं था, बाद में पता चला था कि मैं वो भी कैप्चर कर रही हूँ। तो इन्होंने थोड़ी सी मजाक भी किया था कि तुझे काम से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग में इंटरेस्ट रहता है। एड़ी भारी भाई, इतनी बढ़िया भारी गाड़ी आ करती भाई, इसी मेरा गाड़ी खुद में के मतलब मना अच्छी लगा करती है। हम बहुत लगा मैंने गिटार के पिच ऊपर के मारो, थोड़ा सा ज्यादा सा लग रही। अभी इन्वर्टर चालू कर दो। हट जाओ, झाड़ू तो काट रहे हो, सब ने सोचेंगे ये झाड़ू काट रहे हैं घर में। गलत कहे सर, हैं? गलत कहे सर, फिर भी काट रहे हो। काट रहे हो तो छोड़ दो, बैठ जाओ, मैं काट लूंगी। के कटो भाई, हाँ तुम्हें आगन तो सरका ही दूंगी, अलमारी में सरकाओ। ये भी मैं खींचूंगा, आपकी बात कह रहा था तो मारो मैं वीडियो भाई। बना रही हूँ ना। लाटो एक बार, हट जाओ तो मैं धक्को मारना है मैंने। कर दियो काम। ले वो झाड़ू दे तेरे, मैं काट लूंगी अपना, अनीशा झाड़ू लेके बैठा कहाँ है? मैं काट लूंगी अपना, छोड़ देने नहीं। गेर लो जितनी गेरी जाए उतनी। बस बस भी नहीं, मैं तो कौन खाऊँ, कौन ही खाऊँ। क्या दूँ, दूसरा दो चम्मच झर झर ले झर। यह क्या देवा देवा बिजली, तो झर बोलोगा, झर तो यही है, ले झर तो है नहीं कहीं, है ना? हेलो जी, कैसे हैं आप सब? और शाम के बज गए हैं 4:30, हम मिल रहे हैं शाम के 4:30 बजे। और ये देखिए क्या कर रहे हैं, मूंगफली देखी जा रही है, क्या कर रहे हो? और आज इन्होंने शेविंग करवा ली बहुत दिनों के बाद में, एक जुनून सवार हो रखा था, हेयर कट मतलब नहीं करवाया था 3-4 महीने से, बोले थे बाल बढ़ाऊंगा और ये भी बढ़ा रखी थी, आज ही करवाया क्लीन। तो आज नया लुक है और ये मूंगफली सेकते हैं जब तक मैं जाती हूँ छत पर कपड़े लेके आती हूँ, ठीक है? जब तक ये सेक लेंगे मूंगफलियाँ, फिर आके खाएंगे गर्मा गर्म मूंगफली। होगी टेंशन है मुझोगा। और हमारे शिवांश को सर्दी ज्यादा लगती है, इसलिए हेलमेट लगा के आया है।
बस यौन रख दो, हेलमेट की सर्दी नहीं हुई अभी बेटा, गिर जाओगे। रख क्या हो हेलमेट? हेलमेट की सर्दी हो रही है। देखो अभी ये इन्वर्टर का पानी चेंज कर रहे थे, उस टाइम इन्होंने शिवांश ने हेलमेट लगा लिया, बोले कि मेरे को करंट नहीं लगेगा, मैंने हेलमेट लगा लिया है, तो इसलिए इन्होंने लगाया था हेलमेट। और चलते हैं अब छत के ऊपर, मैं जाती हूँ कपड़े उतार के लेके आती हूँ, ठीक है? तो मिलेंगे आपको थोड़ी देर के बाद में। निकलिए खाली जी, आ जाइए गर्मा गर्म, हमारे शर्मा जी बना रहे हैं, ठीक है? मूँगफलियाँ सेक रहे थे। अब बताओ, हाँ आ गए छत के ऊपर, आंटी जी कपड़े उतार रही है, मैं लेट हो गई। मूँगफली सेक रहे थे, पहले इन्वर्टर का पानी चेंज किया, इन्वर्टर का पानी भी तो ख़त्म हो रहा था, हाँ पानी डाला, मतलब पानी डाला और उसमें अरे नहीं सांस फूल गया, ऊपर चढ़ते चढ़ते ना छत पे आते आते सांस फूल जाती है। आप लोगों का क्या है, आप लोगों थोड़ी सी सीढ़ियाँ, मेरे को पैदल चलना पड़ता है फिर ऊपर आती हूँ। वहाँ से आई हूँ, नहीं जानती कहाँ से आए हो। दोपहर में गई थी, वो दे के आई थी कपड़े, कपड़े लेके आई, फिर वो कॉस्मेटिक वाली अब खोली है दुकान, उसके यहाँ सामान लेके। क्या कर रही हो? वीडियो। तुम्हें नहीं ले रही तुम्हें नहीं ले रही वीडियो में, टेंशन मत लो। कान में दर्द हो रहा है अभी? कान में नहीं यार, नहीं हो रहा, सही हो गया। ये कमीज किस लिए छोड़ दी? शर्ट इन्हीं की है, हाँ हमारे तो नहीं है। तो और कौन डाल के गया था? तो कपड़े लेकर आ चुके हैं नीचे, और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं मूंगफलियाँ, और शिवान जो है वो सिर्फ नमक के पीछे पड़ा हुआ है, काला नमक भी खा रहे हैं, तो मैं उसके नमक को बचा के, उसके पापा ने छुपा के रखा है आपके पास में, मतलब उसको दे नहीं रहे, अपने हाथ में अपने पैर के पास रख लिया है। और आज का ब्लॉग होता है यहीं तक, मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।